हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? हम बहुत अच्छे हैं, आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। ज्योति ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज मैं घर पे हूँ। आज मैं संडे, आज जैसे कि आज मैं छुट्टी पे हूँ, और मैं आज सोचा कि आप लोग साथ कुछ शेयर करूँ, बनाती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज मैं ठंडी का मौसम है, तो मैं गाजर का हलवा बनाती हूँ, जो आप लोगों के साथ में मैं ऐसा कुछ बनाऊँ और आप लोगों के साथ में शेयर ना करूँ, ये हो तो हो नहीं सकता। तो मैं अभी चल रही हूँ गाजर का हलवा बनाने। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, ये मैंने पतीले में मैंने दूध उबाल करके रख दी दूध दूध रख दिया है उबाल करने के लिए, जो कि बिल्कुल आज इतने पे हैं। और ये रहा गाजर का, ये गाजर मैंने कद्दूकस में अच्छे इसको पहले अच्छे से मैं धुला, उसके बाद कद्दूकस में इसको कस लिया है मैंने। और ये फिर है अपना ये घी, घी घी है, जो कि घी अच्छे से गर्म हो रहा है। इसको मैं घी के अंदर इसको मैं घी के अंदर अच्छे से वो करूँगी। और आप लोगों को इससे ज़्यादा इजी आप लोगों को कहीं भी नहीं मिलेगा बनाने का तरीका। मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा इजी और आपको जल्दी से बना सकते हैं, कहीं कोई ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, ठीक है? तो आप आइए, आप लोग चलते हैं, मैं स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख रहे होंगे घी बिल्कुल हो चुका है। अब इसके अंदर मैं डाल देती हूँ गाजर, इसके अंदर मैं डाल देती हूँ गाजर, और अब इसे मुझे चलाते रहना है कलछुल में, और इसको मुझे चलाते रहना है जिसे जिसे नीचे पकड़े ना ये अच्छे से। इसको मैंने मुझे बिल्कुल पकाना है इस घी के अंदर, जिससे पानी बिल्कुल इसका जो पानी है वो ख़त्म हो जाए। और ये जब पानी जो है इसके अंदर जो पानी है वो बिल्कुल मर जाए और घी के अंदर बिल्कुल ही मतलब मिल जाए अच्छे से। तो और इधर मेरा दूध, जैसे कि देख रहे होंगे दूध मैंने रख दिया पकने के लिए, दूध पक रहा है। और तब तक फिर मैं इसको अच्छे से पकाती हूँ, फिर आप लोग उसमें मिलते हैं। आप लोग देख रहे होंगे गाजर जब मैंने डाला था तो बिल्कुल कढ़ाई यहाँ तक भर के थी। अब देख रहे होंगे बिल्कुल गाजर यहाँ तक हो गया है और इसका थोड़ा सा रंग भी चेंज हो गया है, जो कि इसको मैंने पकाया है। अब आप लोगों को मैं बता देती हूँ इसकी मात्रा कितनी है। ये मैंने गाजर लिया था आधा किलो और ये दूध था 1 लीटर, ठीक है? गाजर में हम पैसे के लिए हम मेवा मिक्स करते हैं, मेवा में ज़्यादा अच्छा बनता है, लेकिन अभी इस टाइम मेवा कहाँ मिलेगा। और इस गाजर बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैंने एक ईजी तरीका वैसे सोचा जो आप कभी भी बना सकते हैं कहीं भी। और ये देखो कंटिन्यू, अब ये देखो अभी बिल्कुल ये पक ये हो चुका है, होने को हो रहा है। इसमें मैं डाल रही हूँ 5 से 6 छोटी इलायची, जो कि ऐसे इसको मैंने तोड़ के मतलब इसको पीछे फाड़ा लगा करके, ठीक है, ये मैंने डाल दिया है। और इसके अंदर मेन काम है ड्राई फ्रूट्स का। मैं एक कटोरी भर करके, आप देख रहे होंगे कटोरी भर करके मैं ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स इसका मेन काम होता है, ठीक है? मैं ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, ये ड्राई फ्रूट्स हो गए। अब इसके अंदर मैं मिक्स करूँगी चीनी, तुम्हें चीनी देना बाबू। अब इसके अंदर मैं मिक्स करूँगी चीनी, आप लोग देख रहे होंगे। और इसको मैं अभी इसको मैं पकाया मैंने आधे घंटे तक, आधे नहीं कितने मिनट हो गए सोनी, 10 मिनट 15-20 मिनट हो गए। हाँ, इसको मैंने पकाया अच्छे से 15 से 20 मिनट, ठीक है? और इसको मैंने पकाया 15 से 20 मिनट। अब आप लोगों को चीनी इसमें डालना है, चीनी आप लोगों को अपने अनुसार डालना है। कोई कोई कम मीठा खाता है, कोई ज़्यादा मीठा खाता है, अब कोई मीडियम खाता है, कोई मतलब हर किसी का टेस्ट अलग अलग होता है। लेकिन मैं डालूंगी चीनी। तो आप देख रहे होंगे दूध मेरा बिल्कुल बॉयल होने को हो रहा है, और अभी आप लोगों को दिखाया नहीं फैल भी गया था। तो इसमें चीनी मैं डालूंगी इतनी सी मात्रा में, ज़्यादा हो जाएगी क्या थोड़ी देखना एक बार, क्योंकि मुझे सीन में जल्दी मुझे उसका हो। मैं डिली चीनी डाल रही हूँ इसके अंदर, क्रिस्पी तरीके से डाल रही हूँ चीनी। अब इसको मैं 5 मिनट तक का और पकने दूंगी, अब इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसको मैं और पकने दूंगी थोड़ा सा, 5 मिनट तक पकाऊंगी इसको अच्छे से, इसमें अच्छे से ये मिक्स हो जाए।
5 मिनट तक और पकाती हूँ इसको। आप लोग देख रहे होंगे मैंने इसके अंदर दूध मिक्स कर दिया, जो मैंने ये बॉयल दूध था मैंने ये इसके अंदर डाल दिया है, ठीक है। और ये अच्छे से अब थोड़ी सी मैं जो गैस की आँच है वो मैं थोड़ा तेज़ कर दिया है जल्दी से थोड़ा सा और वो हो जाए। अब इसको मैं क्या काम करूँगी, अब इसको मैं आँच करूँगी धीमे, आँच कर दिया मैंने हाफ, और इसको मैं पकाऊँगी अब 5 से 10 मिनट तक, जब तक बिल्कुल ये दूध जो है अंदर सोख न ले, अच्छे से ये मिल ना जाए, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। आप लोग देख रहे होंगे बिल्कुल अब बन के तैयार हो गया है। मैंने क्या करा है, मैंने गैस बंद कर दिया है और बिल्कुल ये अच्छे से पक चुका है। और मैंने इसको पकाने मुझे लगा करीबन बनाने में लगा कितना टाइम लगा सोनी, कितना टाइम लगेगा बनाने में इसे, हमें इसे बनाने में लगा मुझे 20 से 25 मिनट, मान लो चलो 30 मिनट लगा मुझे पूरा बनाने में। ये हो गया मेरा बन के तैयार, और ऊपर से हमने सजावट के लिए मैं डाल दिया इसमें किशमिश। ये रहा मेरा गाजर खेलुआ, आप लोग भी जल्दी ट्राई करें, और आप लोग भी जल्दी ट्राई करिए अपने घर पे। इससे ज़्यादा ये तरीका आप लोग कहीं भी नहीं मिलेगा, और बिल्कुल भी ये तरीका है, ज़्यादा कुछ में लगा नहीं है, बिना में दूध से ओनली दूध का बनाया है मैंने। और आप लोग भी ट्राई करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा बना है। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, गुड नाइट। तब तक लोग अपना आप लोग ध्यान रखिएगा, गुड इवनिंग। इस टाइम शाम हो गया है, 4 बज रहे हैं, और मैं चलती हूँ थोड़े से रेस्ट करती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बाय।